हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल प्रिपेयरिंग फॉर हाफ ईयरली असेसमेंट स्टार्टिंग सेप्टेम्बर 29? यस, गुड. यू केम टू नो ऑफ पैटर्न विद दिस वीडियो ऑफ आवर्स, देन यू कम टू नो ऑफ योर 18 सब्जेक्ट सिलेबस. ठीक है, नाउ व्हाट इज हियर इन दिस वीडियो? ये है सोल्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर. यस, 40 मार्क्स का जो आपका आने वाला है, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ. स्वागत करता हूँ आपका विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम में, जो 10वीं 12वीं और 11वीं के सब कुछ देने के बाद आज 9th क्लास के लिए लेकर आए हैं हाफ ईयरली असेसमेंट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर. सोल्ड भी करके दिखाएंगे, तो सिलेबस पहले जान लेते हैं. देखिए, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं. तो ये आप देख पा रहे हैं सिलेबस के बारे में आपको बता देते हैं जो आने वाला है आपका. हमारी वेबसाइट पर जाइए, यहाँ लिखिए गूगल पर mynewclassroom.in और 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं. तो आज 9th की बात कर रहे हैं, तो 9th को क्लिक कीजिए. 9th को क्लिक करते आप यहाँ पर देख पा रहे हैं HBSC सिलेबस इंग्लिश 2022-23. ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे आप और ये आप क्लास 9th का 22-23 का सिलेबस देख पा रहे हैं. क्या क्या आना है ये बता देते हैं आपको. ये देखिए, मई के द फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूज़िक एवेलिन ग्लेनी वाला और बिस्मिल्ला खान वाला, द रोड नॉट टेकन पॉम वन, और आपकी दूसरी बुक का लॉस्ट चाइल्ड, पंक्चुएशन ग्रामर में और एप्लीकेशन बिजनेस लेटर आ रहा है. इस तरह जुलाई में लिटिल गर्ल, एडवेंचर ऑफ टूटो, ये वाला और ग्रामर में आर्टिकल टेंस आ रहे हैं. कंपोजिशन में डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट पैराग्राफ आ रहा है. अगस्त में क्या आ रहा है? स्नेक एंड मिरर, लेक इजल ऑफ इनिसफ्री, लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, द किंगडम ऑफ फूल, रिपोर्टेड स्पीच और पैराग्राफ आ रहा है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर्टिकल भी आ रहा है. तो सेप्टेम्बर में माई चाइल्डहुड, नो मैन आर फॉरेन, डक एंड कैंगरू, हैप्पी प्रिंस, विदरिंग द स्टॉर्म इन अरसमा, ग्रामर में वॉइस आ रहे हैं. तो यहाँ तक का आपने लेना है. ठीक है, तो अब जो आपने सिलेबस देखा उसके बेस पे आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि सर किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. ये आपका रहेगा 40 मार्क्स का और 90 मिनट्स का, ये अपने पर्टिकुलर लिख लेना. ठीक है, बिल्कुल इस तरह का आएगा. तो एक एक नंबर के 10 आ रहे हैं, ये देखिए आप. ठीक है, और ये द फन दे हैड में से है, लिटिल गर्ल में से, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. 4 ऑप्शन दी होंगी आपको, और ये शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ये द रोड नॉट टेकन, और ये आप देख पा रहे हैं. इस तरह के 10 MCQs आएंगे. फिर एक एक नंबर में ग्रामर आ सकती है आपके पास, क्या क्या हैं, पंक्चुएशन है, टेंस हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं, वॉइस हैं और कंजंक्शन आ रही है. तो ये वन वर्ड होते हैं, तो ये ग्रामर में यूज़ हो सकती है यहाँ पर. उसके बाद 20-30 वर्ड में दो दो नंबर के आ रहे हैं. टैली बुक क्या है, द फन दे हेड में से, द लिटिल गर्ल केज या फैमिली के मेंबर बताओ, और कैसे ईश्वरन जो है उसके लिए महेंद्र के लिए एक असेट था. उसके बाद तीन तीन नंबर के 3 आ रहे हैं. ठीक है, ट्रैवलर एक दिन अपने आप कहाँ पाता है, क्या प्रॉब्लम थी, तो ये द रोड नॉट टेकन में से है ये. और ये देखिए आप, इस तरह के ये स्पेस भी दिया होगा, इसी में आपने लिखना है. और ये 5-5 नंबर में आप ऐसे टाइप देख रहे हैं, 100 वर्ड में देना है कि कैसे डिस्क्राइब कीजिए आप एडवेंचर की, जो टोटो ने क्या क्या किया था. ठीक है, उसके बाद स्पेस दिया है, अब्दुल कलाम के दोस्तों के बारे में पूछा गया है. उसके बाद राइटिंग स्किल में आइए, 5 नंबर का ऑप्शन है इसके अंदर. ये देखिए, पैराग्राफ मॉर्निंग वॉक का लिख दो या फिर बिजनेस लेटर आया हुआ है. तो इस तरह का आपका ये रहेगा. तो ये था सिलेबस इन मंथ्स का जो आपने कवर करना था. तो अब आपको बता देते हैं कि इनमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं. क्वेश्चन 1 देखिए, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं टोटल मार्क्स 40 और टाइम मिलेगा 90 मिनट. ठीक है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आप इस तरह का आएगा आपको, बिल्कुल 4 ऑप्शन दी होंगी, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं. आपको पैटर्न बताया था, ये स्क्रीन देखिए, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वर मागी एंड टॉमी? तो 11 एंड 13, 10 एंड 12, 9 ए ही ठीक है इसका. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड केजिया मेक अ पिन कुशन? क्यों बनाया उसने? टू गिफ्ट हर फादर. यस, बी इसका राइट आंसर है. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? ठीक है, तो कौन सा अवार्ड था वो आप बताएंगे. भारत, आगे आप बताएंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान. ठीक है, डी इज द राइट आंसर. विच वर आइंस्टाइंस फेवरेट सब्जेक्ट्स? फेवरेट सब्जेक्ट क्या थे उसके? उसके यहाँ सिस्टर हुई तो कहता है, मॉम इसके टायर कहाँ हैं, पहिए कहाँ हैं इसके? तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैकेनिकल माइंडेड था वो. ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी राइट आंसर. हु इज़ द पोइट ऑफ द पॉम द रोड नॉट टेकन? कौन है वो? ये वीडियो ध्यान आया,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यस इज द राइट आंसर. व्हाट डज द पोइट डू व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग? ही डज नॉट लाइक टू प्ले आउटसाइड, नो ही डज नॉट लाइक टू सी द मूवी, ही डज नॉट लाइक टू कुक फूड, रादर ही लाइक्स टू लाइज इन द बेड. ठीक है, तो ये है. हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? थ्रू हर ईयर्स, नो हेयर, नो थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी. सी द राइट आंसर. व्हाट डज द विंड मेक फन ऑफ द रिच? नो, उसको तो बो करती है स्ट्रॉन्ग. नो नो, जंगल की आग को और भड़काती है. वीक को, मोमबत्ती की लो को बुझा देती है. तो यस, वीक, राइट. नाइन्थ, व्हाट डज द चाइल्ड रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स शो टूअर्ड्स द एंड ऑफ द लेसन? क्या दे देगी? बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग. दिस इज द मैसेज ऑफ राइटर. वाई वर प्रिंस एंड दिस वालो सो प्रीशियस? सो प्रीशियस बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस. ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, सेल्फलेसनेस. ठीक है, तो ये थे 10 मार्क्स के MCQs. कितने आपने देखना है, इस तरह से ही आएंगे लगभग. इन्हीं में से भी हो सकता है आ जाएं. नोटबुक में सोल्व करके फोटो खींच के भेज दो. पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. द इंग्लिश आर इंटेलिजेंट पीपल. 1, 2, 3 थ्री मिस्टेक्स आई कैन सी. आपको लगा टी छोटा, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, इंग्लिश का ई छोटा है. ठीक है, तो ये पंक्चुएशन है. टेंस आ रहे हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट. यूनिवर्सल ट्रूथ है ये एक. ठीक है, तो यहाँ पर है. और आर्टिकल में देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट. ठीक है, तेंदुलकर का वॉइस आ रहे हैं. आई हैव रिटन अ लेटर हैव बीन रिटन बाई मी. हैज हैव के साथ हैज बीन लग जाता है. कंजंक्शन आ रही हैं. डू यू नो हुज बैग इज दिस? हुज, WHOSE, ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये थे आपके 15 मार्क्स के एक एक नंबर वाले, जैसा पैटर्न था. 16 क्वेश्चन देखिए अब, कि 16, 17, 18 दो दो नंबर के आ रहे हैं. वट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? ये देखिए हमारा वीडियो आप द फन दे हैड पर. ठीक है, तो दैट कैन बी रेड ऑन टेलीविजन स्क्रीन. NCERT की बुक्स पढ़ते हो, ये देखिए आप इस तरह से इसका आंसर है. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक अ रियल बुक. दैट इज प्रिंटेड ऑन पेजेज. इट अ बुक दैट इज टेलीकास्टेड ऑन द टीवी स्क्रीन. हु वर पीपल इन KGR's फैमिली? ये देखिए हमारा द लिटिल गर्ल पर ब्यूटिफुल वीडियो. तो कौन कौन थे? 4 KGR's फैमिली में थे. ठीक है, तो ये सब आप देख पा रहे हैं. उनके ग्रैंड मदर, मदर, फादर. ठीक है, तो ये थे. इन वट वे इज ईश्वर एन असेट टू महिंद्रा? की कई बार अनकंफर्टेबल कंडीशंस में भी उन्हें जाना पड़ता था, रहना पड़ता था, बट ईश्वरन नेवर कंप्लेंड अबाउट इट कि सर क्या आपके पिछू पिछू मुझे भी. तो ही ऑलवेज रिमेंड विद हिम. कभी उसको छोड़ा नहीं, उसके लिए कुक किया और वॉशिंग की. क्या कुक किया? अरे स्टोरी भी कुक किया, खाना भी कुक किया, है ना. टेलिंग स्टोरी उसका आर्ट था ही था, तो उसको बोर नहीं होने देता था. उसको टेलीविजन की जरूरत नहीं थी, वो भी उसको साथ रखना चाहता था. ठीक है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. तो ये है 3-3 नंबर के 3. देखिए, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ वन डे? कहाँ मिला? 10वीं के बाद आर्ट्स लूँ के साइंस लूँ, वहीं मिला. वट प्रॉब्लम डज ही फेस? द रोड नॉट टेकन में से आया, तो वो थे इन ए फॉरेस्ट ही वॉज इन. ठीक है, वैन टू रोड डाइवर्ज इन टू टू डिफरेंट डायरेक्शंस, विच वे, है ना, ही शुड गो? हार्ड चॉइस टू मेक. जैसे आपके लिए 10वीं में था या होएगा, होएगा 10वीं में, होएगा अभी है नहीं, होएगा 10वीं वालों को होता है. ठीक है, इज द पोइट नाउ ए चाइल्ड? देख लेना द रोड नॉट टेकन में, ब्यूटीफुल वीडियो. नहीं, अभी बच्चा नहीं है वो. इज हिज मदर स्टिल? नो, माँ भी नहीं है अब, वो ग्रोन अप है. हिज मदर इज नॉट अलाइव, नॉट विद हिम. ठीक है, एंड ही इज इन मेमोरीज ऑफ हिज मदर वाइल इट इज रेनिंग. ठीक है, तो ऐसे लिखना था. इन द फेयर 21वां देखिए, द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वट आर दे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉन्टेड बैलून्स. ये देखिए आप हमारा वीडियो, ब्यूटिफुल. ठीक है, कई चीज़ें थी जो भी उसको दिखता है. ये भी लेना है, स्वीट्स लेना है, गार्लैंड लेना है, बैलून लेना है. ठीक है, और ये भी लेना है, वो भी लेना है. तो इस तरह से आपने ये दे पढ़ पा रहे हैं. स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपियों में लिख लें. तो ये 3-3 नंबर के 3 के बाद 22, 23, 5 नंबर के, जिसके अंदर इंटरनल चॉइस आ रही है. 100 शब्दों में देना है कि कैसे एडवेंचर ऑफ टूटो कैसे था. वो मिस्चिवस था, ठीक है ना, वॉलपेपर फाड़ दिए उसने, ये एडवेंचर थे उसके, ब्लेजर फाड़ दिया, एनिमल को उसने बहुत ट्रबल किया. ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना था. कैटल में कैसे एक बार खुद ही बॉयल होने वाला था,
है ना, होल कर दिए ड्रेसेस में, कर्टन में, ठीक है, और टिकट चेक करके वहाँ जब हुआ, डिशेस सारी घर की तोड़ दी, तो ये सब उसके एडवेंचर थे जो आपने लिखने थे इस तरह से 5 नंबर का। और अब्दुल कलाम के जो थे फ्रेंड उसके बारे में बताइए, 3 दोस्त थे उसके नाम बताइए, रामानंद शास्त्री थे, अरविंदन थे और शिव प्रकाशन थे, ठीक है, ब्राह्मण फैमिली से थे, है ना। तो ये इस तरह से आपने ये लिखना था, आप देख पा रहे हैं वो प्रीस्ट ही बन गया, रामानंद जो था उसके पापा प्रीस्ट थे और अरविंदन ने बिजनेस संभाला, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट का, और उसके बाद शिव प्रकाशन भी जो है कैटरिंग में, साउदर्न रेलवे में जो था। तो इस तरह से आपने ये सब लिखना था, लेकिन कभी उन्होंने फ़र्क नहीं किया, देवर ऑल इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद राइटिंग स्किल में आ जाइए, लास्ट में आपके जो भी टॉपिक थे, यहाँ पर एक लेटर बिजनेस आया हुआ है, बिजनेस लेटर आया हुआ है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यू आर वीना, तो सबसे नीचे आप साइन कर देंगे वीना के रूप में और एड्रेस आप सबसे ऊपर लिख देंगे, है ना। हेडिंग में क्या क्या होता है, सेंडर मिल रहा है हमें 25 प्रेम नगर शिमला, ठीक है, और डेट आप लिख सकते हो कोई भी, बिना पंक्चुएशन के लिखनी है डेट आपने, और उसके बाद आप लिख दीजिए ये न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स भारत वाला जो है, तो मैनेजर को लिख दीजिए सदर बाज़ार कि भैया रिप्लेसमेंट करो, वॉशिंग मशीन खरीदी थी आपसे इस तारीख को इस नंबर के तहत और नॉइस आ रही है ये, तो अरे नई नई में थोड़ी है, बॉल बेयरिंग खराब है क्या इसके, चेक करो इसको और इसको रिप्लेस करो, ठीक है। तो इस तरह से योर फेथफुली वीना, वीना के नाम से साइन करेंगे। मॉर्निंग वॉक पैराग्राफ आया हुआ है, लेटर और पैराग्राफ ही थे आपके अभी तक, तो मॉर्निंग वॉक देखिए बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, कॉस्ट कुछ नहीं करता है, यूज़फुल हेल्थ के लिए है, रिफ्रेश माइंड को करता है, बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, लाइफ बढ़ाता है, डिजीज को दूर करता है, सभी को अच्छा लगता है, ये है वो है फलान ढान ढान। तो इस तरह से 10-15 लाइनें इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक पर लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का तैयार कर लीजिए, हो सकता है इसमें से ही 50% तो आ जाए, 10वीं का 11वीं का 12वीं का सभी आपको दे दिए हैं, ठीक है, देख लेना इन सबको, अपने बहन भाइयों को, बड़े छोटों को, सबको बता देना, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं बताओ, किस सब्जेक्ट का आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर चाहिए, ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू, वंडरफुल, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, चलो।